अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाक 99 न्यूज़ के साथ मैं हूं नायला भट्टी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ एजी दश्ती की रिपोर्ट के मुताबिक जिला जैकबाबाद आम इंसान तहरीक पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान में हजूर पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखान अल्फाज इस्तेमाल किए उनके खिलाफ मरकजी चेयरमैन आबिद अली सिंधी, कदीर जखरानी, नबी बख्श मायरी, मोहम्मद हसन टालानी, आफ्ताब सोमरू, मौलादाद पिछुआ, अरशद बलीदी, यूसुफ सोमरू, मुन्ना रटी, विंग के अर्जुन कुमार और शक्ति कुमार इम्तियाज काजी वालों के दफ्तर से प्रेस क्लब तक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अल्ताफ मेरानी, समाजी कारकुन इरफान गनी, अफजल सयाल, बीएनपी गुलाब मैंगल, जीयूपी नौरानी के रफीक फखरी सिंध, मल्ला फोरम के अल्ताफ मेरानी, समाजी वर्कर इरफान गनी, अफजल सयाल वालों ने शिरकत की, जिनके हाथों में बैनर और प्ले कार्ड्स थे। शहरियों और मुजाहरीन ने आने वाले ट्रैफिक को मुअत्तल कर दिया और सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। एक घंटा प्रेस क्लब से खिताब करते हुए कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। बीजेपी लीडरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बुजदली का मुजाहरा किया है। उनका मजीद कहना था कि भारतीय हुकूमत ने इस्लाम और मुसलमानों के साथ दुश्मनी और तअस्सुब की हदें पार कर दी हैं। दुनिया भर के लोग भारतीय मसनूआत का बायकॉट कर रहे के भारत की दहशतगर्दी का नोटिस लें, रिपोर्ट कर रहे हैं कैमरामैन जवेद अली जमाली के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एजी दश्ती। मजीद खबरों, अपडेट्स और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए पाक 99 न्यूज़ HD।